हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं गरिमा सक्सेना आज आपको बताने जा रही हूँ हरी धनिया की चटनी। ये चटनी पूड़ी, पराठे या फिर चाट के साथ सर्व की जाती है। तो आइए चलिए बनाते हैं हरी धनिया की चटनी। इसके लिए मैंने धनिया लिया है लगभग 50 ग्राम, इन्हें धुल कर कट कर लिया है। हरी मिर्च 4 से 5, जैसी आपको स्वाद में पसंद हो। एक नींबू का रस, नमक, जीरा 1 टीस्पून, अदरक कटी हुई लगभग 1 टेबल स्पून और 1 लहसुन जिनको मैंने छीन लिया है। अगर आपके घर में लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी सामग्री को मिलाकर मिक्सी में थोड़े पानी के साथ एक बारीक पेस्ट बना लेते हैं। सारी सामग्री को मिलाकर मैंने चटनी तैयार कर ली है। इसे मैं बोल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी तैयार हुई है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, साथ ही साथ ये खाने में भी बहुत ही अच्छी खट्टी स्पाइसी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर मेरी एक पिक दिख रही है, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।